नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #class10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं 20 लाख करोड़ में कितना जीरो होता है। दोस्तों 20 लाख करोड़ ही नहीं, आपके सामने कितना भी करोड़ आ जाए, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप छोटी छोटी मगर मोटी बातों को ध्यान से देखिए। दोस्तों आप लोग ये बताइए ये कितना है, तो आप लोग कह देंगे ये 1000 है। ठीक है, कितना है 1000। अगर इसको हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10000। कितना हो जाएगा 10000। अगर इसी को हम 100 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 1 लाख। कितना हो जाएगा 1 लाख, समझ पा रहे हैं। अगर दोस्तों इसको हम अगर 10 से गुना करें तो ये कितना होगा, इसको हम बोलेंगे लिखेंगे 10 लाख। क्या बोलेंगे 10 लाख। अब दोस्तों मैं आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, पूरी बात आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको ध्यान दीजिए, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो दोस्तों ये कितना है 1 करोड़। कितना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना है 1 करोड़। अगर इसको हम 10 से गुना कर दें तो इसको क्या पढ़ेंगे 10 करोड़। क्या पढ़ेंगे 10 करोड़। ठीक है 10 करोड़। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको ही इस 10 को अगर हम 20 से गुना कर दें तो इसको क्या पढ़ेंगे 20 करोड़ पढ़ेंगे। अब आपको यह समझना है कि दोस्तों 1 करोड़ में कितना जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, 1 हो जाता है, यानी कि 1 पे 7 जीरो 1 करोड़ होता है, और 1 पर 5 जीरो, 1 पर 2, 2, 4, 5, 5 जीरो 1 लाख होता है। अगर इसको हम 10 से गुना कर दे तो 10 लाख होगा, अगर इसको हम 10 से गुना कर दे तो 10 करोड़, अगर इसको हम 20 से गुना कर दे तो 20 करोड़, अगर इसको हम 20 लाख से गुना कर देंगे तो 20 लाख करोड़ हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको ये याद दिलाता हूं, इसको पढ़ेंगे क्या, तो 1 करोड़। अब आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। चलिए ये हुआ एक बात दोस्तों, कितना बात, 1 बात, ये हुआ आपको 1 करोड़। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, हमें 1 लाख में कितना जीरो, 5 जीरो, अगर हम इसको 20 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ये 1 लाख है, अगर 20 से गुना कर दे तो 20 लाख हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 20 लाख, यानी कि 20 पे 5 जीरो, 2, 2, 4, 1, 5, यहां हो गया आपको 20 लाख। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 20 लाख। अगर हम इस 20 लाख को 1 करोड़ से गुना कर दें दोस्तों, अब आपको समझ में आ जाएगा, अगर 1 करोड़ को हम 20 लाख से गुना कर दें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, 1 को 20 से गुना करें तो ये 20 लाख और करोड़, यानी कि 20 लाख करोड़। कितना, 20 लाख करोड़। तो 1 करोड़ पे कितना जीरो है, ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो है, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो, और 20 लाख, यानी कि 20 लाख पे कितना जीरो दोस्तों, 20 लाख पे 5 जीरो 5 जीरो, तो ये टोटल हो गया आपको 20 लाख करोड़। अब ध्यान से देख लीजिए कि दोस्तों कितना जीरो, 1 को 2 से गुना कीजिए तो 2 होगा, और जितना जीरो है उतना जीरो रख दीजिए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, या दोस्तों कितना जीरो, 13 जीरो। तो आप लोग ऐसे करके 13 जीरो लिख सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हो गया आप लोगों को 20 लाख करोड़, या इसी को लिख देंगे 2 × 10^13, इसको भी पढ़ सकते हैं 20 लाख करोड़। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूजन है, देखिए मैं कन्फ्यूजन खत्म कर देता हूं दोस्तों।
ये है आपका 1 लाख। फिर से समझिए, 1 लाख, 1 लाख में कितना जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो। अगर हम 20 से गुना कर देंगे 1 को तो 20 लाख हो जाएगा। देखिए 2 को 1 से गुना करें तो 2 आ गया। अब जितना जीरो, इधर 5 इधर 1, यानी 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो। देखिए ये आपका 6 जीरो आ गया, यानी 20 लाख हो गया। अब दोस्तों हम 20 लाख को अगर 1 करोड़ से गुना कर दें, ये है 1 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़, 1 करोड़। 1 करोड़ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो। तो दोस्तों यहाँ पे 1 करोड़ लिख दिए, और 20 लाख पे अभी अभी हम देखे हैं कि दोस्तों 2 पे 6 जीरो है, उसे कहते हैं 20 लाख। यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, यानी कि टोटल 20 लाख। इस 20 लाख को 1 करोड़ से हम गुणा करेंगे तो 20 लाख करोड़ हो जाएगा। इस तरह से 2 को 1 से गुणा कीजिए तो 2, और यहाँ पे 7 जीरो, यहाँ पे 6 जीरो, तो 13 जीरो नहीं हो गया, टोटल 13 जीरो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 2 के पावर, यानी 2 × 10^13, या 2 पर 13 जीरो को हम लोग कहेंगे 20 लाख करोड़। दोस्तों अब इसमें कहते हैं इसका 10% जो है वह GDP में जाएगा, चला जाएगा, तो 2 पे कितना जीरो बचेगा, तो 2 जीरो को हटा दीजिए दोस्तों, यानी कि 11 जीरो बचेगा। 2 पे 11 जीरो, 2 पे कितना जीरो, 11 जीरो। तो दोस्तों इतना, यानी ये चीज चला जाएगा किस पे चला जाएगा, GDP में, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोले हैं, मोदी साहब ने बोले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ये गलत है या सही है मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि मैं इसमें कोई भी चीज नहीं छोड़ा है, आप लोगों को बिल्कुल सही बताया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।